जेलेंस्की से पुतिन जितना बदला लेंगे, बाइडेन उतना ज्यादा खौफ में रहेंगे। ये रूस की अब तक की सबसे कामयाब नीति साबित हुई है। पुतिन के डर से अमेरिका ने जेलेंस्की को इतने हथियार सौंप दिए हैं कि अब बाइडेन का गोदाम खाली हो चुका है। अगर आज की तारीख में अमेरिका का किसी से सीधा युद्ध हो जाता है तो समझ लीजिए कि बाइडेन के पास लड़ने के लिए हथियार तक नहीं बचेंगे। ये दावा अमेरिका की मीडिया ही कर रही है। यूक्रेन की मदद करते करते अमेरिका कंगाल हो चुका है। बाइडेन की बेचैनी पूरी दुनिया जान चुकी है। जेलेंस्की की मदद करना अब अमेरिका के बस की बात नहीं, क्योंकि पानी सिर के ऊपर निकल चुका है। अमेरिका का गोला बारूद वाला स्टॉक खत्म हो चुका है। अमेरिका का गोदाम खाली हो चुका है। यह दावा खुद अमेरिका के मीडिया में किया जा रहा है। बड़े बड़े थिंक टैंक बता रहे हैं कि यूक्रेन को बचाने के चक्कर में अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। यूक्रेन की 40 अरब डॉलर वाली मदद का दावा कर रहा अमेरिका अब खुद किसी भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। व्हाइट हाउस में इस क्राइसिस की चर्चा हो रही है। कुछ आंकड़े तो हैरान कर देंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 11 लाख तोप के गोले सप्लाई किए हैं। ये 155 मिलीमीटर वाले गोले हैं। अमेरिका हर साल ऐसे सिर्फ 85,000 गोले बना पाता है। और अब रिपोर्ट है कि अमेरिका अगर तेज काम भी करेगा तो उसे अपना गोले बनाने वाला गोदाम भरने के लिए 10 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे ही अमेरिका को एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन का स्टॉक भरने में 8 साल का वक्त लग सकता है। एयर डिफेंस मिसाइल स्टिंगर का गोदाम भरने के लिए अमेरिका को दिन रात 18 साल तक ये मिसाइलें बनानी पड़ेंगी। कुल मिलाकर अमेरिका ने यूक्रेन को बचाने के चक्कर में अपने हथियार खत्म कर दिए हैं। अमेरिका का हथियार वाला स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और अब अगर अमेरिका की रूस या किसी और देश से डायरेक्ट जंग शुरू हुई तो बाइडेन का हाल ठन ठन गोपाल वाला होगा। बाइडेन ने अमेरिका को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। सोचिए कितने दयनीय होंगे वो हालात जब अमेरिका की सेना बाइडेन को बताए कि हमारे पास तोप है लेकिन गोले नहीं है, हमारे पास स्टिंगर मिसाइल नहीं है, हमारे पास जैवलिन मिसाइल खत्म हो चुकी है। जेलेंस्की को भी अमेरिका का एहसान मानना होगा। युद्ध की शुरुआत यानी फरवरी 2022 में अमेरिका एक महीने में तोप के 15,000 गोले बना रहा था। तब जेलेंस्की की खातिर अमेरिका ने उत्पादन तिगुना कर दिया और सितंबर 2022 में 45,000 गोले बनाए जाने लगे। जेलेंस्की ने डिमांड बढ़ाई तो जनवरी 2023 में अमेरिका का हर महीने का उत्पादन 90,000 गोलों तक पहुंचा दिया गया। अमेरिका के पास बड़ी बड़ी मिसाइलों की कमी बेशक ना हो, अमेरिका के पास परमाणु बम की किल्लत चाहे ना हो, लेकिन एक पारंपरिक युद्ध जमीन पर आमने सामने वाली लड़ाई में लड़ा जाता है। तोप के गोले नहीं होंगे, रॉकेट नहीं होंगे, और अगर एंटी टैंक मिसाइल नहीं होंगी तो युद्ध के हालात में बाइडेन को आज नहीं तो कल पुतिन के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। अमेरिका के सामने 4 बड़े दुश्मन हैं। इसमें रूस और चीन अमेरिका के लिए बहुत बड़े चैलेंज हैं, जबकि ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश अमेरिका के लिए वैसे ही हालात पैदा कर सकते हैं जैसा वियतनाम युद्ध में हुआ। इन चारों से लड़ने के लिए अमेरिका का तोपखाना खाली हो चुका है। इन चारों में से एक भी अगर अमेरिका के खिलाफ उतरा तो अमेरिका के सामने हार का संकट गहराने लगेगा। सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट है कि अगर चीन के साथ ताइवान स्ट्रेट में युद्ध होता है तो अमेरिका के पास एक हफ्ते के अंदर हथियार खत्म हो सकते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि अमेरिका कैसे यूक्रेन को बचाने के चक्कर में खुद कुएं में कूद गया है और अब वहां से उसके लिए निकलने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में कोई ब्रेक भी नहीं लगाई, क्योंकि जेलेंस्की ने बताया कि वो इन हथियारों से पुतिन को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
इनमें एक बड़ा हथियार इस्केंडर मिसाइल है जो वाकई यूक्रेन के काफी काम आई है। यूक्रेन ने रूस के 315 फाइटर जेट और 310 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। इनमें ज्यादातर स्टिंगर मिसाइल का ही टारगेट बने हैं। दस सेकंड का वीडियो देखिए जिसमें जेलेंस्की ने अमेरिका से मिले स्टिंगर मिसाइल से पुतिन का सुखोई 25 फाइटर जेट मार गिराया था। ये वीडियो अक्टूबर 2022 का है। पुतिन का फाइटर बहुत नीचे उड़ान भर रहा था। पायलट को यकीन था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अचानक इस विमान से एक मिसाइल टकराती है और इस फाइटर का मिशन ओवर हो जाता है। पायलट एजेक्ट करता है, यानी वो सीट समेत पैराशूट के जरिए विमान से बाहर आ जाता है। जब पायलट पैराशूट से नीचे आ रहा होता है तब एक दूरी पर विमान को गिरते हुए और आग के गोले में तब्दील होते देखा जा सकता है। ये हमला स्टिंगर मिसाइल से ही किया गया था। रूस का सुखोई 25 काफी नीचे उड़ान भर रहा था तभी जंगलों के बीच तैनात यूक्रेन का एक फौजी अपने स्टिंगर मिसाइल के साथ तैयार रहता है और वो इस मिसाइल को कंधे पर रखकर लॉन्च करता है और फिर स्टिंगर मिसाइल विमान से जा टकराती है। मिसाइल जैसे ही विमान से टकराई पायलट को इजेक्ट करना पड़ा क्योंकि विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विमान दूर जाकर गिरता है जबकि इस दौरान पायलट वक्त पर पैराशूट की मदद से किसी तरह विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहता है। अमेरिका ने यूक्रेन को इतनी स्टिंगर मिसाइल सप्लाई की हैं जितनी उसने पिछले 20 वर्षों में निर्यात नहीं की हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि बाइडेन ने कैसे अपने ही गोदाम से ये मिसाइल निकालकर जेलेंस्की की फौज में बांट दी। इस स्टिंगर को मैन पैड्स कहा जाता है, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो कंधे पर रखकर ऑपरेट की जाती है, या कहें कि ऐसी मिसाइल जो एक फौजी कहीं भी उठाकर ले जा सकता है और वो उसे अकेला फायर कर सकता है। ये ऐसी मिसाइल होती हैं जो 5000 मीटर की रेंज तक दुश्मनों के ठिकाने, उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिरा सकती हैं। इस स्टिंगर के बाद अमेरिका के सामने 155 मिलीमीटर वाले गोलों का संकट गहरा गया है। ये गोला किसी भी आर्टिलरी का सबसे घातक हथियार माना जाता है। ये गोला जहां गिरता है उसके 50 मीटर के दायरे में कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। अगर कोई 100 मीटर के दायरे में है तो उसका घायल ना होना नामुमकिन कहा जाएगा। इस गोले की फायर पावर सबसे ज्यादा होती है और ये M777 जैसी तोप से दागा जा सकता है। ये तोप भी अमेरिका ने जेलेंस्की को बड़े पैमाने पर सप्लाई की है। लेकिन अब गोले खत्म होने के बाद बाइडेन ने जैसे हाथ खड़े कर दिए हैं। जेलेंस्की को अब 155 मिलीमीटर वाले गोले खत्म होने के बाद अमेरिका की तरफ से 105 मिलीमीटर के गोले सप्लाई किए जा रहे हैं। जाहिर है कि अमेरिका के पास अपने लिए ही स्टॉक नहीं बचा है। अब सवाल है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर बाइडेन जेलेंस्की से पहले खुद को कैसे बचाएंगे। बाइडेन इस बात से बहुत टेंशन में हैं कि वो यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका का हथियारों वाला स्टॉक खाली हो गया है। अब उनके सामने बड़ा चैलेंज अपना गोदाम भरना है, जो आसान नजर नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेलेंस्की ने नाटो और अमेरिका से लगातार हथियार की डिमांड जारी रखी। वो बार बार कहते रहे कि यूक्रेन के पास बम खत्म हो गए हैं और उनको तो अभी रूस को खदेड़ने के लिए और धमाके चाहिए। इन सबके बीच पुतिन ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं, चाहे वो कीव हो, खार्किव हो या फिर ओदेसा। पुतिन के हवाई हमले हर जगह आग बरसा रहे हैं। क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद पुतिन ने ओदेसा के आसपास ज्यादा कहर मचाना शुरू कर दिया है। Нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов вооруженных сил Украины в районе города Одесса, а также по авиабазе Канатова воздушных сил Украины Кировоградской области. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Счет по карибу 1.5 года вот хуа. और इस दौरान यूक्रेन के अंदर इतने बम बरसे हैं कि जेलेंस्की और पुतिन दोनों ने इसका हिसाब रखना छोड़ दिया है। लेकिन बाइडेन के पास हर गोले का अकाउंट है और यही वजह है कि वो जेलेंस्की नहीं, नाटो भी जेलेंस्की से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हथियार खपाने के बावजूद बाइडेन को इस युद्ध का कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा।